नमस्कार, खबर बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या दुबे। सातवें चरण के चुनाव को लेकर तेजस्वी का लेटर वॉर जारी है। लगातार दूसरे दिन पत्र लिखकर पीएम मोदी पर उन्होंने हमला किया है। पीएम पर लोगों को भ्रमित करने का आरोप लगाया है। जातिगत गणना को ठुकराने का पीएम पर आरोप लगाया गया है। आरक्षण को खत्म करने का पीएम पर आरोप लगाया गया है। 5 किलो राशन जनता का अधिकार, ये तेजस्वी यादव ने कहा है। पीएम दे रहे हैं जेल भेजने की धमकी। तेजस्वी यादव की तरफ से ये भी कहा गया है पत्र लिखकर कि पीएम लगातार जेल भेजने की धमकी दे रहे हैं। जेल भेजने की धमकी संविधान का उल्लंघन है। तो ये बातें आपको बता दें कि तेजस्वी यादव की तरफ से कहा गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ इस बीच संवाददाता रुपेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुपेंद्र, लगातार देखा जा रहा है कि सातवां चरण जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, आखिरी चरण जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे यहां पर वार पलटवार भी अब देखने को मिल रहा है। इस बीच तेजस्वी यादव ने फिर से प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला है। देखिए, तेजस्वी यादव लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोल रहे हैं और जान रहे हैं कि जितना वो नरेंद्र मोदी जी पर हमला बोलेंगे उतना ही उनको फायदा होगा। और यही कारण है कि मंच से भी वो लगातार हमला बोल रहे हैं। बेरोजगारी, फिर युवाओं को रोजगार देने की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, साथ ही आरक्षण हो, आरक्षण के साथ ही आपको जो जातीय जनगणना है वो है, ये तमाम चीज़ों को लेकर वो लगातार अपनी बातों को कह रहे हैं। देखा जाए बयानों में तो लगातार वो बयान भी दे रहे हैं। तो दूसरी बात यह है कि लगातार सोशल मीडिया के द्वारा भी वो हमला कर रहे हैं और इसी क्रम में आज उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए फिर पोस्ट किया है और कहीं ना कहीं आरक्षण को फिर मुद्दा बनाया है। तो इस तरह से देखा जाए सुशील, ये तेजस्वी यादव जो है लगातार जिस तरह से हमला कर रहे हैं, अब देखना यह है कि इसका जवाब किस तरह से बीजेपी दे पाती है। लेकिन तेजस्वी यादव ये मैसेज जरूर अपने वोटरों को देना चाहते हैं कि हम ही आपके हितैषी हैं और कोई हितैषी नहीं है। तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर आंकड़ा जारी किया है, उसमें लिखा भी है कि केंद्र के द्वारा ये आंकड़ा जारी किया गया है। साफ तौर पर उन्होंने गुजरात की बात कही है और उन्होंने ये भी कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसको देखना चाहिए। तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जिस तरह से तेजस्वी यादव हमलावर हैं, अब उनके हमलावर का जो है जवाब किस तरह बीजेपी दे रही है, क्योंकि आखिरी चरण का चुनाव है। अब दो चार दिन ही रह चुके हैं, चुनाव प्रचार काफ़ी तेज़ हो गई है। तो साफ तौर पर देखा जाए तो अब तेजस्वी यादव का जवाब अब बीजेपी किस तरह से देती है, ये देखना जरूरी होगा। जी बिल्कुल। और देखा जाए तो जिस तरह से आपने जिक्र किया यहाँ पर कि जितना तेजस्वी यादव पीएम पर हमला बोलते हैं फायदा उनको ही होता है, यहाँ पर जाना चाहेंगे कितना फायदा, क्या लगता है तेजस्वी यादव को इससे कितना फायदा मिलेगा? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी भी जब जब बिहार दौरे पर आ रहे हैं तब एक नया मुद्दा यहाँ पर विपक्षियों के लिए छोड़ जाते हैं वो, और फिर उन्हीं मुद्दों को लेकर के खूब सियासत भी देखने को मिलती है, खूब राजनीतिक रोटियां सेकी जाती हैं। देखिए, विपक्ष का चेहरा देखा जाए बिहार में तो तेजस्वी यादव हैं। राहुल गांधी की बात की जाए तो राहुल गांधी दूसरी बार आ रहे हैं सभा करने, और कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव जो आपको सभाएं कर रहे हैं, 200 से अधिक सभाएं कर चुके हैं, तो साफ तौर पर विपक्ष का चेहरा हैं। और जो भी विपक्ष के माइंड के जो वोटर हैं, जो बीजेपी पीएम या एनडीए के बातों में एनडीए के जो वादे हैं उनको लेकर जो उनके अंदर जो किस बना हुआ है वो चाहते हैं कि नहीं वो नहीं हो, हम विपक्ष की तरफ से हैं। तो उस तरह के जो माइंड के वोटर हैं वो तेजस्वी यादव की बातों को सुनते हैं, तेजस्वी यादव को सुनते हैं। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव इसलिए हमला करते हैं कि जो वोटर उनके वोटर हैं, जो इंडिया गठबंधन के वोटर हैं, जो इंडिया गठबंधन को वोट करते हैं, वो लोग जो हैं वो उनकी बातों को सुने और कहीं ना कहीं जो है इंडिया गठबंधन के लोगों को जो है वोट करें, और जो लोग हैं और दूसरे वोटर हैं उनको वो कन्विंस करें। यही कारण है कि लगातार तेजस्वी यादव जो है वो हमला बोलते नजर आए। वहीं देखा जाए प्रधानमंत्री की बात की जाए तो प्रधानमंत्री का देखिए लगातार दौरा हो रहा है, उस पर भी तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया है। तो कहीं ना कहीं एक कहा जाए कि वन मैन आर्मी के रूप में कहा जाए तो वो तेजस्वी यादव विपक्ष की तरफ से दिख रहे हैं, और यही कारण है कि प्रधानमंत्री पर वो लगातार हमला बोल रहे हैं। जी बिल्कुल। और जिस तरह से सवाल पूछे जा रहे हैं, इन सवालों का क्या कुछ जवाब मिलता है, ये 4 जून को साफ हो पाएगा। ठीक है रुपेंद्र, तमाम जानकारी साझा करने के लिए और जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सम्राट चौधरी का लालू यादव पर बड़ा हमला। आप बता दें कि लालू यादव को हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता, ये सम्राट